वो अभी बहुत हैवी वाली चल रही है, ठीक है, लेकिन एक बैड लकी है कि हमारे पास अब एक गुड़ा भी नहीं है, ठीक है जी। बाबू जी, बड़ी मेहनत तो मशक्कत करने के बाद हमें जो है ना अपने सोफे के पीछे से एक बंडल मिल गया गुड़ों का। चेक करो, सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा है, आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन आज़ाद, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी मज़े में और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा है। सीन जैसे कि यार रात को हुई है बड़ी मज़े वाली बारिश, मतलब कि तेज़ नहीं हुई, हल्की हल्की बारिश हुई है। बारिश हो तो उससे क्या होता है यार, मौसम साफ हो जाता है, ठीक है, हवा चलती है। और आज मैं कह रहा हूँ कि इतना हैवी वाला मौसम हुआ है, मतलब धूप भी निकली हुई है और हवा भी बहुत हैवी वाली चल रही है, ठीक है, लेकिन एक बैड लकी है कि हमारे पास अब एक गुड़ा भी नहीं है, ठीक है। रात को दोस्त आया मेरे पास, तकरीबन पड़े हुए थे 20-25 गुड़े पड़े हुए थे अपने उड़ाने के लिए घर में, ठीक है। रात को दोस्त आया, कहता है यार फादी भाई गुड़े चाहिए। मैंने कहा कितने चाहिए? कहता है जितने भी हैं दे दो। मैंने कहा 10-15 पड़े हुए होंगे, तो कहता दे दे मुझे। मैंने उठाया बंडल, मैंने दे दिया। मैंने कहा यार पड़े होंगे कहीं पीछे, पड़े हुए होंगे तो उड़ा लेंगे हम निकाल के, लेकिन मैंने उसे दे दिए तो फिर जो है ना हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम या मांगते हैं किसी संगी से, या तो फिर हम जो है ना ऐसा करते हैं कि हमारा जो पसंद वाला स्टॉक है, ठीक है, वो अब यहाँ पे पड़ा हुआ भी नहीं है ना यार, डेरा सुल्तान में पड़ा हुआ है, ठीक है। करते हैं यार कुछ कोशिश, करते हैं कोई निकाल के लाते हैं हम अपना जो है ना थोड़े बहुत गुड़े निकाल के लाते हैं, क्योंकि यार आज मौसम बहुत ज़्यादा हैवी हुआ भाई। ये चेक करो, ये भाई भी अभी जो है ना साथ वाले भाई गुड़ा उड़ा रहे थे, देखो उनका गुड़ा काट गया, ठीक है। ये ऊपर एक गेमर उड़ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक बोतल उड़ रही थी। और सुबह यार तकरीबन ना मैं नाश्ता करने से पहले ऊपर आया था, ठीक है, मौसम देखने, तो बहुत मज़े की ना पतंगों की गेम हो रही थी। बाबा जी पतंगों की गेम जैसी मैं देखने के लिए ऊपर आया तो 5.5 गिट्ठी की गेमें हो रही थी, तो जैसी मैं ऊपर आया उन्होंने पतंगें उतार ली। मैंने कहा यार रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अपनी पब्लिक को दिखाऊंगा। और सुबह हवा भी बड़ी हैवी चल रही थी और मौसम भी बहुत हैवी हुआ हुआ था, तो यार अब ऐसा करते हैं ना कि हवा तो चल रही है, मैंने सोचा था कि यार आज ढाई तावे को जो है ना हम एक गैंगस्टर वाला जो है ना ढाई तावा बनाएंगे, लेकिन कोई मूड नहीं बना, क्योंकि आप देखो हवा बड़े मज़े की चल रही है, तो आपको पता जब हवा तेज़ चल रही होती है, हो रही होती है ना, तो आपके भाई का दिल बेईमान हो जाता है कि भाई काइट फ्लाइंग करनी है, ठीक है। बड़ी मुश्किलों से उंगलियाँ रिकवर की हैं, लेकिन आपके भाई का दिल दोबारा बेईमान हो गया, भाई जान काइट फ्लाइंग करनी है। तो यार अभी हम ऐसा करते हैं कि बसंत वाले सामान में से ना अपने कज़न को बोलता हूँ यार मुझे दे जा कोई 10-15 गुड़े दे जा, तो ताकि हम रोज़ के लिए उड़ा सकें, ठीक है। और वो जहाँ पे हमारा सामान पड़ा हुआ है ना, अब आपको मैं बताता हूँ वो यहाँ से कितनी दूर है, तकरीबन है 5 से 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ठीक है। तो वो बाइक पर बाइक के अलावा आ ही नहीं सकता सामान, और बाइक आपको पता है आपका बाइक चलाता नहीं है, तो आप कज़न को ही बोलना पड़ेगा, अगर नहीं दे के जाता तो मोहल्ले में से किसी से ले लेते हैं। तो ये सीन है यहाँ पे ना, नज़दीक ना हमारी एक दो गलियाँ छोड़ के ना एक आंटी हैं, वो गुड़े बेचती हैं, तो वो तावा मुझे दे रही थी तकरीबन 90 रुपये का। मैंने कहा भाई हम लोगों को थुक लगाते हैं, आप हमें थुक लगा रही हो हैं। मैंने कहा चलो ठीक है अपने पास ही रखो। 5 मिनट्स लेटर जी बाबू जी, बड़ी मेहनत तो मशक्कत करने के बाद हमें जो है ना अपने सोफे के पीछे से एक बंडल मिल गया गुड़ों का, हमारा आज का गुजारा हो जाएगा। बस ये रैन के अंदर जो है ना कनिया शनिया डालते हैं और फिर जो है ना उड़ाएंगे, सिस्टम यस रखेंगे। गुड़े बहुत मज़े के हैं यार, पेपर इनका फ़र्क है, लेकिन टेपिंग करके उड़ाओ ना गुड़े बहुत मज़े के हैं, ना इधर गिरते हैं ना उधर गिरते हैं। चलो यार फाइनली बाबा जी हम लोगों ने जो है ना अपने गुड़े में कनिया शनिया डाल दिए हैं, और जो जो भाई चाहता ना कि यार हम ज़िया मस्जिद जो हमारे घर के पास ही काइट मार्केट है, ठीक है, उसके ऊपर हम दोबारा वीडियो बनाएँ और सारे रेट्स जो न्यू रेट्स हैं वो आपको दोबारा बताएँ, तो इस वीडियो के ऊपर 6K व्यूज़ एक दिन में करवा दो, ठीक है ना, तो हम जो है ना आपके लिए वीडियो बना देंगे। उस वीडियो के अंदर होगा ये कि आपको सारी लोकेशन समझाई जाएगी रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है ना वो काइट मार्केट की, ठीक है, और सारे रेट्स वगैरह आपको बताए जाएंगे, और बाबा जी जिसका दिल करे जाके ले सकते हो, लेकिन रोला बहुत ज्यादा है। मुझे नजर कुछ भी नहीं आ रहा, देखो आपका भाई उड़ा कैसे रहा। बाबा जी अभी आपके भाई ने जो है ना गुड़ा उड़ाया, लेकिन हवा ऊपर ऊपर घूम रही है, अभी सीधी नहीं हुई, हो सकता है मे भी 3-4 बजे तक सीधी हो जाए और अच्छी चले। अच्छी चाल तो अभी भी रही है लेकिन घूम रही है, उससे ये हो रहा ना गुड़ा ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, ऊपर ही यूँ घूमता जा रहा है और ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो बस उतार लिए गुड़ा, ये डोर छोड़ लपेटते हैं हम थोड़ी सी, ठीक है, और जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ऊपर आएंगे। चलिए खवातीन रात खाना शाना खाने के बाद हम छत पर आ गए थे, ठीक है, छत पर आके मैंने गुड़ा उड़ाया तो इतने मज़े की आवाज़ आ रही थी, और यहाँ से पतंग भी उड़ रही थी, एक 3.5 की थी, पता नहीं 4.5 की थी, ठीक है। आते साथ ही मैंने इस गुड्डे से जो है ना पहले इसे सही फाड़ा, क्योंकि हवा सीधी नहीं थी, पहले हवा इस साइड की थी आपको पता होगा, अब हवा होगी है बैक साइड की, ठीक है, तो इस वजह से मैं पहले भी गुड़ा नहीं उड़ा रहा था, हवा सीधा होने का वेट कर रहा था, ठीक है। तो इस गुड्डे से हमने काटे 2 गुड़े,
और अब आप लोग कहोगे फादी भाई झूठ बोलते हो हमारे साथ, तो यार बाकी दो गुड़े काटे मान लिया करो यार, मान लिया करो, कभी तुम्हारा भाई तुम्हारे से झूठ नहीं बोलता, ठीक है। बाकी यार आप लोगों को हमने बसंत का स्टैश भी दिखाना है, हाय 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 हाय, तो 10K करवा दो, 10K करवा दो, तो हम जन सैना अपना सारा स्टैश आप लोगों को दिखाएंगे, जिसमें टीटू पार्टियां भी लगाएंगे और सारा फिर जो आप कहोगे वो ऐड और भी कर लेंगे, ठीक है। तुकलें शुकलें भी ऐड नहीं हुई भी, तुकलें शुकलें देखेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलो बाबा जी अगेन आवाज़ चल पड़ी है, गुड्डा उड़ाते हैं और यहाँ से भी रिजवान भाई ने भी उड़ा लिया, ये चेक करो, फिर पेचा छेचा लगाते हैं इनके साथ। चलो आओ अगेन जी, बड़ी ज़ालम हवा मिल गई हमें, तो अभी लगाते हैं पेचा छेचा, ओ आगे गुड्डा उड़ रहा है उसके साथ पेचा लगाते हैं, चलो आओ। गुड्डे को उठा लो, गुड्डे को उठा लो, उठा लो, मैं ढील दीजिए, ढील दीजिए, उठाओ आप। उठाओ गुड्डे को, उठाओ, पीछे नहीं लगावा, नहीं जाना चाहिए, उठाओ, ओ आवाज नहीं लग रही गुड्डे को, यार उतार लो, मेहरबानी करो। बाबा जी आज से पहले मैंने जब भी ये गुड़ा उड़ाया ना, यकीन मानो इससे इतने मज़े के पीछे हुए हैं, मतलब कि खाली इसका यार पेपर ख़राब है, हल्का सा भी गिरे ना तो सारा पेपर फाड़ जाता है, लेकिन यार वो चेक करो, सीधा बिल्कुल सीधा खड़ा है, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन पेचे इसके साथ जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, तो अभी इसको थोड़ा सा उतारेंगे फिर और पेचे भी करेंगे। यार मैं तारीफ कर रहा था ना, ये देखो आगे से ये गुड़ा आया, ठीक है, इसने मेरे को काटा है, इसको काटा है और वो जा रहा है मेरा गुड़ा, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, वो ऊपर उसकी डोर फिरी है पिंक के ऊपर, इकट्ठे 4-5 गुड्डे कट्टे हैं बाबा जी, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है बाबा जी, बहुत ज़्यादा, ओ नुक्ता बना हुआ था, सही बात है यार, इतनी डोर गई मेरी। भाई साहब वो चेक करो, जिसने अड़ूंगा है या जिसने पकड़ा है ना, अभी तक नहीं उतारा, किधर गया वो, किधर है, अच्छा ये ऊपर अड़ूंगा भाई, ये चेक करो, जिसने भी अड़ूंगा या जिसने भी पकड़ा ना, अभी तक नहीं उतारा। खैर नए गुड्डे ले हैं बाबा जी, लेते हैं इनके साथ रिवेंज, सब्र करो। बाबा जी तुम्हारे मेरे प्यार में जो आएगा उसे मैं यूं ही काट दूंगा, ठीक है ना, बाकी वो आगे गुड़ा चेक करो यार, अभी तक जिंदा उड़ रहा है यार, यार क्या कहूँ यार, बाकी हमारे प्यार में जो भी आएगा ना, सब सब्र करो पुत्र जी, हम दोनों के प्यार में, इसके और मेरे प्यार में जो भी आया ना उसको यूं ही काट दूंगा मैं। बाबा जी अभी इनका ना जो है ना सख्त वाला रोला बताया कि सही बात है, अभी इनको मैं बताता हूँ कि भाई तुम लोगों ने पंगा किससे लिया, ठीक है ना, फादी भाई तुम्हारा रिवेंज लिए बगैर छोड़ता नहीं है। वो कह रहा था कि मैं अभी छोड़ के जाता हूँ उसे, वो कह रहा था कि मैं 2 मिनट मुझे दो ना अपनी जो जिसके साथ तुम प्यार करते हो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है ले जाओ, थोड़ी देर के लिए ले जाओ। ये चेक करें जी, अभी इसके अंदर जो है ना मैं कनिश ने डाल दी और ये मेरा लहू बह रहा है, ठीक है, ये हमारा जो लहू बह रहा है हम साथ साथ इसके ऊपर लगा रहे हैं ताकि किसी के पास जाए तो हमारा जो है ना लहू उसके काम आए, ठीक है, ये लहू हमारी जो है ना यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो इसको भी उड़ाते हैं और शशका देते हैं आपको। बाबा जी मैंने कहा था ना जो जो बीच में आएगा सारे जाएंगे, एक ये काट दिया एक वो काट दिया, ठीक है, और हमारा गुड्डा देखो किधर जा रहा है। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, ये देखो हमारी जो है ना कितना ज़्यादा लहू बह गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा लहू बह गया, बस यार अब इसको रिकवर भी करना है यार, जो ही मेरी थोड़ी सी उंगली रिकवर होती है कीड़ा चक मारता है, कहता जी फादी जी गुड़े उड़ाओ। अब यार क्या कहे यार बंदा, इन्हें क्या कहे यार। चले जी खबर तीनों साथ फाइनली आपको भाई ऊपर से नीचे आ गया था, ठीक है, काम शाम जो करने थे वो मुगल जी का जो काम था वहाँ से हम वेले होके आ गए, ठीक है, आते साथ ही हमें जी डिलीवरी रिसीव हुई है, इसके अंदर क्या होगा यार, है क्या होगा, तुम लोग सोच रहे कि बेसबॉल बैट होगा या कोई भी डंडा छंडा होगा, है
तो इसके अंदर है तीलियाँ। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो। हाय हाय, आडे आडे गुड़े की गेमर की तीलियाँ, ठीक है। तो ये किसी ने मंगवाई थी मेरे से यहाँ पे मोहल्ले में, मैंने कहा चलो यार मेरा बंदा है, मैं आपको मंगवा देता हूँ, तो ये से देनी है अभी। अभी ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाते हैं हम मार्केट में, ठीक है। मार्केट में जाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा शुगर मेला लगाना है, शुगर मेला लगाने के बाद फिर कोई कावा शावा पियेंगे, कोई शुगर मेला लगाएंगे, उसके बाद फिर आके आप लोगों से मिलती हैं। चले जी खौतीन आज़ाद, फाइनली हम आ गए, ठीक है, मार्केट में। हबीब भाई आज उनसे ना कहीं गए हुए थे तो आज लेट हो गए। वड़ा प्रा ना ले कार, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं यार चिप्स वगैरह खाने, ठीक है, और शुगर मेला लगाते हैं जाते हैं, तो टीटू पार्टियाँ लगाएंगे, ठीक हो गया ना। बाकी ऐसे वैसे जो उनसे हैं ना, और सिस्टम सिस्टम में उनसे हैं ना, खैर है ना। कैसे हो, ठीक हो? बड़ा प्रा ना लिया कार है। ओ, गार होंदा है। गार होंदा है। जी। चलो पंजाबी में बोलो कि इश्क करके के कमाई। बोलना है, बोले एक दफा, बोल इश्क करके के कमाई। हाँ। यार बोल एक दफा, मैं कह रहा हूँ, मैं यूं बोल इश्क करके के कमाई। भाई चले जी खबर आज़ाद, फाइनली आपका भाई जिनसे ना घर आ गया, ठीक है। सीन्स ऐसे हैं कि यार बाबा जी आप लोग 10K के सब्सक्राइबर नहीं करा रहे ना, तकरीबन यार 450-450 सब्सक्राइबर्स कम रह गए हैं, जल्दी से 10K के सब्सक्राइबर करवा दो। क्यों यार इतना तुम तरसाते हो, ऐसे ही बात है, तुम लोग चाहो तो अभी अभी आज के दिन में तुम करवा सकते हो यार। बाकी यार अल्लाह ताला जी प्लीज़ करवा दें 10K के सब्सक्राइबर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने जहाँ इतने दे दिए, वहाँ 300-400 भी दे दें हैं, तो यार इंशाल्लाह हो जाएंगे यार, टेंशन नहीं लेनी। बाकी इंशाल्लाह यार काफ़ी भाइयों ने बोला था ब्लैक कलर में 12 दफा बनाना है, तो हो सकता है मैं भी ब्लैक में बनाएं और एक रेड में बनाएं, या फिर एक वाइट में बनाएं और एक रेड में बनाएं, तो मुझे कंफर्म कर देना वाइट में और रेड में बनाएं या फिर ब्लैक में और रेड में बनाएं, तो लाजमी बताना। दो बनाएंगे, ठीक है, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग सजानिंग आपका भाई जो सहना अपनी मर्ज़ी से करेगा। बाकी यार इंशाल्लाह ढाई दवा वगैरह भी सिस्टम सिस्टम इंशाल्लाह हम सेट करेंगे, अभी आपको पता है अपने घर पड़े हुए नहीं हैं तो इस वजह से, ठीक है। बाकी ठीक है यार, आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ पर ही एंड। और अगर कोई भाई चाहता है कि यार फादी भाई अगेन ज़िया मस्जिद की वीडियो बनाओ, कि यार फादी भाई काइट मार्केट ज़िया मस्जिद में किधर है, यहाँ से रावलपिंडी में काइट मार्केट किधर है, तो हम वीडियो बना देंगे। खाली आप लोगों ने करना ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लाजमी बोल देना कि यार ज़िया मस्जिद की अगेन वीडियो बनाओ, ठीक है। बाकी लव यू हो गया आप लोगों के साथ, उंगलियों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ मेरी का, दुआओं में लाजमी याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।